गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के कंसेप्ट के बारे में। क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा आज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी फर्श को ढकने के लिए टाइल बिछाए जाते हैं, ठीक है, आप टाइल लगते हुए कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब किसी फर्श को ढकने के लिए टाइल बिछाए जाते हैं तो एक पुनरावृत्त होने वाला पैटर्न बनता है। जब टाइल बिछाए जाते हैं तो आप देखते हैं कि टाइल को जो है लाइन से बिछाए जाते हैं, फिर उसके सामने, इस तरह से एक कमरे में पूरा टाइल बिछ जाता है तो आप देखेंगे कि एक पुनरावृत्त होने वाला, दोहराए जाने वाला एक पैटर्न बन जाता है। सारे टाइलों को फर्श पर रखने के बाद यदि हम सभी टाइलों के एक निश्चित स्थान पर बिंदु लगा दें, ठीक है, सारे टाइलों को आप फर्श पे जो है रख दिए हैं या फिर फर्श में सारे टाइल बिछ चुके हैं, अब उन टाइलों के मध्य बिंदु पर, सभी टाइलों के बीच में मध्य बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु लगा दें, एक पॉइंट लगा दें, ठीक है, तथा टाइल पर ध्यान न देकर केवल बिंदु का अवलोकन करें। ठीक है, टाइल को ध्यान न दें, केवल सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखें, एक साथ टाइल पर ध्यान न देकर केवल बिंदु का अवलोकन करें तो हमें बिंदुओं का एक समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है, सारे बिंदुओं को आप एक साथ देखेंगे तो इससे क्या आपको प्राप्त होगा, बिंदुओं का एक समुच्चय प्राप्त होगा। यह बिंदुओं का समुच्चय एक ढांचा है जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। तो आकाशीय जालक क्या होते हैं, तो आकाशीय जालक जो है वह बिंदुओं का समुच्चय होता है, एक ढांचा होता है जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। इसे देखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि टाइल्स हैं जो कमरे में बिछे हुए हैं, प्रत्येक टाइल्स के मध्य में आपने एक बिंदु बना दिया, एक पॉइंट लगा दिया, और फिर जो है सारे पॉइंट्स को आप एक साथ देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स को आप एक साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो यह जो आप बिंदुओं का समुच्चय देख रहे हैं, ठीक है, बिंदुओं का जो आप ढांचा देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक है, यहां इसके बिंदुओं पर संरचना इकाई, बिंदुओं पर संरचना इकाई क्या है, बिंदु किस पॉइंट पर स्थित है, टाइल पर, तो टाइल यहां पर क्या है, संरचना इकाई है। ठीक है, यहां बिंदुओं का समुच्चय एक ढांचा है, बिंदुओं का समुच्चय एक ढांचा है जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। यहां इनके बिंदुओं पर संरचना इकाई, ठीक है, बिंदुओं पर संरचना इकाई रखकर द्विविमीय पैटर्न विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है बिंदुओं की पर संरचना इकाई रखकर, संरचना इकाई यहां पर क्या है, टाइल है, द्विविमीय पैटर्न विकसित किया गया है। संरचना इकाई को बेसिस अथवा मोटिफ कहते हैं। जो संरचना इकाई है अर्थात जिस पर बिंदु स्थित है, ठीक है, यहाँ पर टाइल है संरचना इकाई के रूप में, तो इस संरचना इकाई को क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे या फिर मोटिफ कहते हैं। जब आकाशीय जालक के बिंदुओं पर मोटिफ रखते हैं तो पैटर्न बनता है। जो आकाशीय जालक है, जो आप पॉइंट बनाए हैं, वो आकाशीय जालक में हो गए सारे मिलकर, और जब जो है यह संरचना इकाई को भी ले लेते हैं, ठीक है, संरचना इकाई को भी ले लेते हैं अर्थात टाइल को भी ले लेते हैं, तो यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनता है। ठीक है, जब आकाशीय जालक के बिंदुओं पर मोटिव रखते हैं, जब आकाशीय जालक के पॉइंट्स पर आप टाइल को भी ले लेंगे, ठीक है, मोटिव रखते हैं, तो एक क्या बनता है, पैटर्न बनता है, तो एक पैटर्न बन जाता है। क्रिस्टल जालक में मोटिव एक अणु, परमाणु अथवा आयन होता है। क्रिस्टल जालक में अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसके अंदर मोटिव क्या होता है, एक अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। ठीक है, आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। जो आकाशीय जालक है उसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं। यह ऐसे बिंदुओं का पैटर्न है जो मोटिव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आप देख रहे हैं कि आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, और यह जो है ऐसे बिंदुओं का पैटर्न है जो मोटिव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मोटिव क्या हो सकता है,
क्रिस्टल जालक में मोटिव जो है एक अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अथवा आयन हो सकते हैं। आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। यह ऐसे बिंदुओं का पैटर्न है जो मोटिव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर दूसरे शब्द में देखा जाए, दूसरे शब्दों में आकाशीय जालक क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा है। आकाशीय जालक क्या है? क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा है। जब हम मोटिव को आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखते हैं तो हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। ठीक है, जब आप मोटिव को आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखेंगे, जब आप मोटिव को आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखते हैं तो हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। क्रिस्टल जालक कब प्राप्त होगा? जब मोटिव को आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखेंगे तो हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। आइए देखते हैं चित्र में। चित्र 1.5 यहाँ पर है, जिसमें ध्यान से देखें, यह फिगर है आपका। चित्र 1.5 में यह एक मोटिव है। ठीक है, क्रिस्टल संरचना बनाने के लिए मोटिव। ठीक है, यह क्रिस्टल संरचना बनाने के लिए यह आपका मोटिव है। और यह आप देखें, आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक है यह आपका। यह जालक बिंदु है, इस तरह से एक पैटर्न बन गया जिसको आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। मोटिव और क्रिस्टल जालक को मिला के जो है यह एक संरचना बनती है जिसको काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना कहते हैं। काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जालक बिंदु भी है, ठीक है, और क्रिस्टल संरचना बनाने वाले मोटिव भी हैं। तो इस तरह से यह काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना है, यह आपका मोटिव है, यह आकाशीय जालक है आपका, यह काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना है। तो इस फिगर में आपने देखा कि एक मोटिव, एक द्विबीमी जालक और एक काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना इस चित्र में प्रदर्शित की गई है, जो कि मोटिव को द्विबीमी जालक में रखकर प्राप्त होता है। यह काल्पनिक द्विबीमी क्रिस्टल संरचना कैसे मिलती है? जब आप मोटिव को द्विबीमी जालक में रखते हैं। जब मोटिव को द्विबीमी जालक में रखेंगे तो यह आपको एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। अब आप आगे देखें ध्यान से। द्विक स्थान, द्विक स्थान मतलब स्पेस में, द्विक स्थान स्पेस में जालक बिंदुओं की व्यवस्था विभिन्न प्रकार के जालक दे सकती है। स्पेस में अगर देखा जाए तो जालक जो बिंदु हैं, ठीक है, स्पेस में द्विक स्थान में जालक बिंदुओं की व्यवस्था विभिन्न प्रकार का जालक दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के व्यवस्थाओं के जालक प्रदर्शित हैं चित्र में। यह देखें, यह एक जालक क है और यह जालक ख है। ठीक है, जिसमें अणु परमाणु या आयनों को स्ट्रक्चर अलग अलग के रूप में बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि स्पेस में द्विक स्थान में जालक बिंदुओं की व्यवस्था विभिन्न प्रकार का जालक दे सकती है, और यहाँ पर दो प्रकार की जालक व्यवस्था को बताया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों में, ठीक है, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में आकाशीय जालक बिंदुओं का समूह त्रिबिंब में होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें आकाशीय जालक बिंदुओं का समूह कैसा होता है? त्रिबिंब होता है, वह तीनों अक्षों में होता है। क्रिस्टलीय ठोस में आकाशीय जालक बिंदुओं का जो समूह है वह तीनों अक्षों में होता है, त्रिबिंब होता है। जालक बिंदुओं पर मोटिव जोड़कर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। ये जो जालक पॉइंट्स हैं, जालक बिंदु हैं, इनके मोटिव को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल संरचना कहते हैं। तो जालक बिंदुओं पर मोटिव जोड़कर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। प्रत्येक पुनरावृत्त मोटिव की संरचना यह त्रिबिंब विन्यास समान होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो मोटिव है जो बार बार पुनरावृत्त हो रहे हैं उसकी संरचना और त्रिबिंब विन्यास ये क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रत्येक पुनरावृत्त मोटिव की संरचना या त्रिबिंब संरचना समान होते हैं। ठीक है, जैसा कि त्रिबिंब में किसी भी एक मोटिव का होता है, त्रिबिंब में देखा जाए तो किसी भी एक मोटिव का संरचना क्या होता है? समान होता है। सतह को छोड़कर क्रिस्टल में प्रत्येक मोटिव के आसपास समान वातावरण होता है। अगर सरफेस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, सतह को छोड़कर क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो प्रत्येक मोटिव के आसपास का वातावरण क्या होता है? समान होता है।
क्रिस्टल, ठीक है, सतह को छोड़कर क्रिस्टल में प्रत्येक मोटिफ के आसपास का समान वातावरण होता है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, एक क्रिस्टल जालक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखें। एक क्रिस्टल जालक की संरचना के लक्षण, एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक लैटिस के अंदर प्रत्येक पॉइंट्स जो होते हैं वे जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाते हैं। यह क्रिस्टल जालक का पहला लक्षण है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो है वह एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो एक परमाणु, एक अणु, परमाणुओं का समूह अथवा एक आयन हो सकता है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो है वह एक अवयवी कण को बताता है, जो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। तीसरा, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो जालक पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, इनको आप क्या करेंगे, एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। तो जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक के स्ट्रक्चर, जालक की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके। तो इस तरह से आपने देखा क्रिस्टल जालक के कौन कौन से अभिलक्षण हैं। तो क्रिस्टल जालक के यहाँ पे तीन अभिलक्षण बताए गए हैं, जैसे जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो एक परमाणु, अणु अथवा एक आयन हो सकता है, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके, ठीक है। क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है, ठीक है। क्रिस्टल को आप पूर्ण परिभाषित करेंगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, त्रिविम जालक का एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है, ठीक है। इस छोटे से भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका क्या होता है, एकक कोष्टिका जो है वह त्रिविम जालक का एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है। क्रिस्टल को परिभाषित करने के लिए, क्रिस्टल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है, और इस छोटे से भाग को ही क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोई एकक कोष्ठिका का चुनाव कई तरह से कर सकता है, ठीक है। एकक कोष्ठिका का चुनाव जो है वह कई तरीके से किया जा सकता है। सामान्यतः वह एकक कोष्ठिका चुनी जाती है, सामान्यतः वह कोष्ठिका चुनी जाती है जिसकी लंब भुजाएँ छोटी हों तथा जिनके सभी दिशाओं में पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो सके, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका को कौन सा चुनेंगे, वह एकक कोष्ठिका चुनी जाती है जिसकी लंब भुजाएं छोटी हों। एकक कोष्ठिका चुनी जाती है जिसकी लंब भुजाएं क्या हों, छोटी हों तथा जिनके सभी दिशाओं में पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं ध्यान से, यह जो है चतुर्भुज वर्ग के तीरों की दिशा में गमन से एक काल्पनिक द्विविमीय क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यह चतुर्भुज वर्ग में यह तीरों का गमन हो रहा है, ठीक है। यह तीर मूवमेंट कर रहे हैं जिससे एक काल्पनिक द्विविमीय क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, और इसका एक छोटा सा यह जो पार्ट है, ठीक है, यह एक कोष्ठिका बना रहा है, ठीक है। यह छोटा सा पार्ट जो है एक कोष्ठिका बना रहा है। इसी बेस पर, ठीक है, इसकी लंब भुजाएं छोटी हों और सभी दिशाओं में इसका पुनरावर्तन कर सकते हैं। यह एकक कोष्ठिका यहाँ पे, एकक कोष्ठिका यहाँ पर भी बन सकता है। इस तरह से सभी एकक कोष्ठिका मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। तो चित्र में कोष्ठिका के पुनरावर्तन द्वारा द्विविमी क्रिस्टल का निर्माण दर्शाया गया है। पुनश्च कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण जालक में कोष्ठिका के बीच में रिक्त स्थान न हो, ठीक है। तो यह ध्यान देना है आपको कि कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि पूरे क्रिस्टल में, पूरे जालक में कोष्ठिका के बीच में खाली स्थान न हो सके, ठीक है। पुनश्च कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण जालक में कोष्ठिका के बीच में रिक्त स्थान न हो। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए
त्रिविम जालक का एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है। इस छोटे से भाग को एकल कोष्ठिका कहते हैं। कोई एकल कोष्ठिका का चुनाव कई तरह से कर सकता है। सामान्यतः वह कोष्ठिका चुनी जाती है जिसकी लंब भुजाएं छोटी हों तथा जिनके सभी दिशाओं में पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो सके। ठीक है, चित्र में आपने देखा कि कोष्ठिका के पुनरावर्तन द्वारा द्विमिमी क्रिस्टल का निर्माण यहाँ पे बताया गया है आपको। ये पुनश्च कोष्ठिका का आकार ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण जालक में कोष्ठिका के बीच में रिक्त स्थान न हो। तो कोष्ठिका का आकार आपको ऐसा लेना है जिससे संपूर्ण जालक में कोई खाली स्थान न बचे। अब यहाँ पे देखें, दो बीमाओं में संभावित एक ही कोष्ठिका कैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो दो बीमाओं में, यहाँ पे दो बीमाएं ली गई हैं, दो बीमाओं में ए तथा बी लंबाई के भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज हैं यहाँ पे। ठीक है, दो बीमाओं में ए तथा बी लंबाई की भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज को जिसकी भुजाओं के मध्य गामा कोण है, जिसकी भुजाओं के मध्य कौन सा कोण है, यहाँ पे देखें ध्यान से, लास्ट में गामा कोण है। ठीक है, इसमें दो बीमा लिया गया है, यह लंबाई है भुजा की ए और बी, इन भुजाओं के बीच में मध्य कोण कौन सा है, गामा कोण है। यह एकक कोष्ठिका के रूप में इसको चुना जा सकता है। ठीक है, इसको आप एकक कोष्ठिका के रूप में चुन सकते हैं। द्विबीमाओं में संभावित एकक कोष्ठिका का चित्र यहाँ देखिए, यह द्विबीमा में संभावित एकक कोष्ठिका का चित्र ऐसा हो सकता है। ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है द्विबीमा में बन सकते हैं। यह आपका द्विबीमा में संभावित, ठीक है, ए और बी लंबाई वाले समांतर चतुर्भुज है जिनके बीच भुजाओं के बीच का कोण गामा है। तो यह जो एकक कोष्ठिका है, इस पैटर्न को बार बार जो है दोहरा के हम एक जालक को तैयार कर सकते हैं, एक जालक का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, त्रिविम में देखे ध्यान से, त्रिविम में क्रिस्टल जालक का एक भाग तथा इसकी एकक कोशिका, एक एक कोष्ठिका को चित्र 1.9 में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, त्रिविम में अगर 3D स्ट्रक्चर में देखा जाए, ठीक है, तो इसका एक भाग तथा इसकी एकक कोष्ठिका को यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यह फिगर कैसा है, त्रिविम है, 3D स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल के त्रिविम भाग, ठीक है, यह त्रिविम 3D स्ट्रक्चर है, घनी आकाशीय जालक का एक भाग और उसकी एकक कोष्ठिका। एक क्रिस्टल के त्रिविमीय घनी आकाशीय जालक का एक भाग और उसकी एकक कोष्ठिका। तो यह एक त्रिविम 3D स्ट्रक्चर है जिसका क्रिस्टल लैटिस है और इसमें यह एक यूनिट सेल है, यह एकक कोष्ठिका है। ठीक है, यह इसके अंदर का एक एकक कोष्ठिका है, इसी को बार बार दोहराया जा रहा है और एक आपका क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, एक त्रिविम क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक होते हैं। एक त्रिविम क्रिस्टल जालक संरचना में एकक कोष्ठिका क्या होंगे, अभिलक्षणिक होंगे। जैसे यहाँ पर यह एकक कोष्ठिका है तो इसको अलग से एकक कोष्ठिका का फिगर दिया जा रहा है। तो त्रिविम क्रिस्टल जालक की संरचना में एकक कोष्ठिका क्या होती हैं, अभिलक्षणिक होती हैं। उनके तीनों किनारों की बीमाओं को ए बी और सी, यह तीनों किनारों की बीमाओं को आप देखें ए बी और सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ए बी और सी। ठीक है, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। इसके तीनों किनारों के बीमाओं ए बी और सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो परस्पर क्या है, लंबवत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। किनारों के मध्य का कोण आप देखें ध्यान से, किनारों के मध्य का कोण जो है, यहाँ बी और सी के बीच में अल्फा है, ए और सी के बीच में बीटा है और ए और बी के बीच में गामा है। ठीक है, किनारों अर्थात कोरों के मध्य कोण अल्फा, अल्फा किसके बीच बन रहा है, बी और सी के बीच में, बीटा यह किसके बीच बन रहा है, ए और सी के मध्य में, और गामा यह किसके बीच बन रहा है, ए और बी के मध्य के द्वारा आप दिखा सकते हैं। इस प्रकार एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर आते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा हिस्सा है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा द्वारा अभिलक्षणिक होती हैं।
प्रतिरूपी एकक कोष्ठिका के इन पैरामीटरों को यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में दिखाया गया है। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर का यह निर्दर्श चित्र है जिसमें किनारों ठीक है की बीमाओं को भी दिखाया गया ए बी सी को और उनके आपस में बनने वाले कोण को भी दिखाया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी क्रिस्टल जालक का हम अध्ययन करते हैं, क्रिस्टल लैटिस का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा बनता है जिसको एकक कोष्ठिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, जो बार बार उसकी पुनरावृत्त होती है और एक क्रिस्टल जालक की संरचना बनती है, एक क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है। ठीक है, और यूनिट सेल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यूनिट सेल की आपने विशेषताएं देखा कि उनके तीनों किनारों की बीमाएं ए बी और सी द्वारा दिखाते हैं, जो परस्पर लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। किनारों के मध्य का कोण अल्फा बीटा गामा बनता है। ठीक है, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। क्रिस्टल जालक के लक्षण क्या होते हैं, तो क्रिस्टल जालक के अविलक्षणिक लक्षण आपने 3 देखा कि जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु अणु अथवा आयन हो सकता है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आद्य और केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, आद्य और केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।